श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिद गांव भूमि विवाद के मामले में 13.37 एकड़ भूमि को लेकर अदालत में होने वाली सुनवाई में न्यायालय द्वारा एक बार फिर तारीख की गई। हम आपको बता दें कि उक्त भूमि के मामले में अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह और लॉ स्टूडेंट द्वारा अस्पताल में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें बुधवार को अपर जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश सत्र संख्या 7 में सुनवाई की, जिसमें दोनों पक्षों की दलालों को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई के लिए आगामी 31 मई की तारीख सुनिश्चित की गई है। इस संबंध में याचिकाकर्ता अधिवक्ता द्वारा जानकारी दी गई। कामरेड उत्तम चंद सहजना मेरा नाम है, उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ का मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि 18/12/2021 को हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र लगा था, जिस पर इन्होंने 3 जनवरी को नगर आयुक्त महोदय ने और 7 जनवरी को महापौर और नगर निगम प्रशासनिक अधिकारियों ने वार्ता की, लेकिन एक भी बिंदु का जब पालन नहीं किया तो हमने इनको इनके जो निस्तारण पत्र था उस पर हमने आपत्ति पत्र जारी किया, उसका भी इन्होंने निस्तारण नहीं किया। उसके बाद इन्हें अनुस्मारक दिया गया, उसका भी इन्होंने निस्तारण नहीं किया। तो मजबूर होकर संगठन ने जो है एक मांग पत्र 5 सूत्रीय संशोधित प्रेषित कर दिया, जो दिनांक 8/5/2022 को जारी किया गया। उसके बाद 72 घंटे की चेतावनी दी गई और 72 घंटे की चेतावनी के बाद इन्होंने स्वयं संज्ञान लेते हुए जो है पत्र का निराकरण कर दिया, जिसमें कोई वार्ता आयोजित नहीं की। हमने उस पत्र का भी जवाब दिया, लेकिन इन्होंने हमारी बात को नज़रअंदाज किया। इनको सोमवार को भी हमने 24 घंटे का अंतिम चेतावनी पत्र दिया कि आप कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करें। जब इन्होंने ये ऐसा नहीं किया तो कल दिनांक 23/5/2022 को आम सभा में समस्त कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया और उस सब लिखा पढ़ी से, उस सब वारदात से हमने अपने नगर निगम के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया और सुबह से आज काम बंद हड़ताल हो गई है। और ये हड़ताल जब तक रहेगी जब तक कर्मचारियों की जायज मांगों को नहीं मान लिया जाता। अभी मैं आपको बता दूं कि कल इन्होंने जब हड़ताल की घोषणा हो गई तो हमारे पास 11 बजे का वार्ता का पत्र भेजा, और वार्ता के पत्र से पहले हमारी हड़ताल की घोषणा हो गई थी, इसलिए हड़ताल कर्मचारियों ने कर दी। वार्ता 11 बजे आयोजित हो जाए उससे पहले इन्होंने एक पत्र जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक तरीके का सोकास नोटिस मेरे लिए दिया है और ये मुझे टर्मिनेट करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं आपकी मीडिया के माध्यम से कि वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी नेतृत्व इतना कमजोर नहीं है कि इनके ऐसे गीदड़ भभकियों से डर जाए। अगर ये टर्मिनेट करना चाहते हैं तो मुझे टर्मिनेट होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं होगा ये आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। सुनो, मेयर साहब से आपकी वार्तालाप हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया या नहीं दिया? मेजर प्रॉब्लम देखिए, दिनांक 7/1/2022 को मेयर साहब की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं उस पर कोई भी कार्रवाई न होने से जो कर्मचारियों में आक्रोश होना स्वाभाविक था। आपको बता दें हमारे उत्तर प्रदेश में समस्त आउटसोर्सिंग डूडा कर्मचारियों को 30 दिन वेतन दिया जाता है, मथुराई एक ऐसी यूबी नगर निगम है यह 26 दिन का वेतन दिया जाता है, मेरठ नगर निगम में 12,500 रुपया मिल रहे हैं, यहाँ हमें वो 366 रुपये के हिसाब से वेतन दे रहे हैं। हमारे कर्मचारियों की अगर कहीं दुर्घटना में कोई चोट लग जाती है उसका ESI तो कटता है, लेकिन कोई इलाज नहीं। पिछले 5 साल से इन्होंने एक भी कर्मचारी को ACP का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन मान के रूप में ACP दिया था। संविदा कर्मचारियों को भी आधे एरियर दिया गया, आधा नहीं दिया गया। वर्दी भी हमें पिछले 4-5 साल से नहीं दी जा रही है। तो इन सब बातों को लेकर और पिछले समझौता वार्ता का क्रियान्वयन न करने के कारण हम लोग आज से हड़ताल पर हैं और ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी।